दोस्तों सलाम नमस्ते, मैं हूं टीपू टार्जन और आप देख रहे हैं पुपटी न्यूज। पुपटी न्यूज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। स्कॉर्पियो ने चार लोगों को रौंदा, एक की मौके पर हुई मौत। बताते चले कि घटना नानपुर थाना क्षेत्र के बहरा पंचायत की है, जहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने चार लोगों को ठोकर मार दी, जिसमें एक मासूम की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि नानपुर की तरफ से एक स्कॉर्पियो पुपरी की तरफ जा रही थी, इसी बीच बहरा गांव के नज़दीक एक महिला को ठोकर मार दिया। ड्राइवर गिरी हुई महिला को देखने लगा, इसी बीच उसका बैलेंस बिगड़ गया और उसके बगल से जा रहे साइकिल सवार तीन बच्चे को ठोक लग गई। दो बच्चे अलग अलग गिर गए और एक बच्चा गाड़ी में फंस गया। स्थानीय लोगों ने फंसे हुए बच्चे को निकालने के लिए स्कॉर्पियो को पलट दिया, जब तक बच्चा मर चुका था। बच्चे की पहचान नानपुर गांव निवासी मोहम्मद कुरैश का पुत्र मोहम्मद रजा बताया जाता है। दूसरे बच्चे का नाम आतिफ, पिता इरशाद, एवं तीसरा बच्चा शहजाद, पिता अहमद बताया जाता है। तीनों बच्चे चचेरे भाई हैं। एक अन्य महिला का इलाज निजी क्लिनिक में चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही नानपुर थाना अध्यक्ष घटनास्थल पहुंचकर बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं घायल का इलाज नानपुर पीएससी में चल रहा है। घायल बच्चा अहमद और आतिफ को बेहतर इलाज के लिए एसकेसीएम मुजफ्फरपुर भेज दिया गया है। एक साथ तीन भाइयों के घर में मातम फैला हुआ है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुपरी एसडीओ श्री नवीन कुमार घटनास्थल पहुंचकर घटना की जानकारी ली एवं उन्होंने उचित सहयोग दिलाने का वादा किया और उन्होंने कहा कि मृतक परिवार को 5-5 लाख रुपए अनुदान दिलाया जाएगा। आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज को लाइक शेयर फॉलो करते रहें। पुपरी न्यूज आपकी आवाज़ हर पल आपके साथ। न डरेंगे न डराएंगे, केवल सच दिखाएंगे। गाड़ी आ रही थी, पहले बुढ़िया को ठोकी, ठोकने के बाद वो पलट गिरे गए थे। जी, बच्चा साइड से जा रहा था, तीनों में उसी उड़ा दिया। उड़ाने के बाद गाड़ी पलटी मारी, एक बच्चा स्पॉट डेड हुई, सर दो बच्चे निकाल गया। गाड़ी को पलट के ऊपर निकाले गया। जो डेड है उसका नाम बताइए। कौन सा? जो डेड का नहीं पता, नहीं पता है। जो घायल है उसका बताइए। घायल बच्चा जो है आतिफ नाम है, 10 साल का है, इरशाद आलम का लड़का है, वार्ड नंबर चार नानपुर उत्तरी का रहने वाला है। जी, अभी कंडीशन स्टेबल है, ओरिएंटेड है, ठीक है, घबराने वाली अभी बात नहीं है, लेकिन हम आगे के इलाज के लिए हम चाहते हैं कि सीटी कराने के लिए इसको आगे सदर भेजा जाए। जी, अभी अभी बच्चा स्टेबल है, खतरे से बाहर है। जो बच्चा पास में है, जो बच्चा पहचान रहा है, सब चीज बता रहा है, घबराया हुआ, ना वो बात फिर देखने के चलते पड़ा हुआ, इसीलिए और घबरा गया। अच्छा, जो बच्चा डेथ हुआ है उसका नाम नहीं पता है? अभी नहीं, अब तक नहीं पता चला है मुझे, आगे जैसे पता चला। थोड़ा वो बताया जाए तो क्या है घटना? साइकिल सवार तीन बच्चे स्कॉर्पियो गाड़ी से ठोकर लगी है। जी, बच्चों की मृत्यु हो गई है, दो बच्चा इलाज में है, ठीक है, और एक महिला भी जख्मी है, उसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। मृतक के पोस्टमार्टम में तैयारी हो रही है, पोस्टमार्टम में भेजन के कार्रवाई। ये बहुत दुखद है, घटना है, और वाहन मालिक ने गाड़ी को देखा, बच्चे को भी देखा। एक बच्चे की डेथ हो गई है, मोहम्मद रजा, और उसके माता पिता भी यहाँ पे नहीं है, पिता मुंबई में रहते हैं, माता आगे बाहर गए हुए हैं। बहुत दुखद है और ये घटना। दूसरा बच्चा भी कभी घायल है, शायद अभी जो खबर आ रही है कभी डेथ कर गया है। ये बहुत दुखद है, तीन बच्चे जा रहे थे और इस तरह से एक्सीडेंट हो गए। अब तो उसकी जान हम नहीं बचा सकते हैं, लौटा सकते हैं, लेकिन वाहन मालिकों को, ड्राइवरों को यह सचेस्ट रहना होगा कि ऐसी घटनाएँ ना हों। अब वो भी निसार का चित्र था, गाड़ी धीमे चलनी चाहिए थी। ऐसी स्थिति में हम लोग उस गाड़ी जब्त कर ली गई है, कड़ी कार्रवाई इस पर होगी, और जो वाहन के सड़क दुर्घटना में जो मुआवजा है, प्रति 5 लाख रुपए उसके परिवार को दिया जाएगा। शीघ्र ही शुरू होता है। इस खबर के प्रायोजक हैं एसके इंटरप्राइजेज। अब घर बनाना हुआ और भी आसान, एक ही छत के नीचे मिल रहा है सारा सामान, सैनिटरी वेयर, टाइल्स, मार्बल, पेंट, प्लम्बरिंग एवं हार्डवेयर संबंधी सारा सामान उचित मूल्य पे प्राप्त करें। नागेश्वर स्थान रोड, पुपरी बाजार। प्रोप्राइटर शौकत खान, सिराज खान, एक बार अवश्य पधारें।